मेरे स्वागत में जो आपने घनघोर तालियां बजाई है ना, वो मुझे आने वाले 10 सालों तक याद रहेंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये लोग बेचारे सीधे लोग हैं, 4-5 मिनट तो क्या है, केवल देखते हैं। ये यहाँ पर अपनी बाजी मार जा रहे हैं, ये आपका बहाना करते हुए अपने मन की बात कह जा रहे हैं। एक वहाँ मोदी जी मन की बात कहने वाले, एक यहाँ पे हमारे मंच के शशि थरूर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे कवि सम्मेलन के शशि थरूर जी ये बैठे हुए हैं जो बीच बीच में बोलते रहते हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। आप अगर मुस्कुराएंगे तो मजा आएगा, पहली 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, हालांकि उसके बाद भी आपके लिए हैं, लेकिन ये ऊर्जा की पंक्तियां हैं। अगर मुझे मिलती है वो ऊर्जा तो मुझे पढ़ने में और आपको सुनने में आनंद आएगा जी। आप अगर मुस्कुराएंगे तो मजा आएगा, भाव चेहरे पे लाएंगे तो मजा आएगा, आप अगर मुस्कुराएंगे तो मजा आएगा, भाव चेहरे पे लाएंगे तो मजा आएगा, हाथ यूं हाथ पे रखने से भला क्या होगा, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ताली खुल कर बजाएंगे तो मजा आएगा, ताली खुल कर बजाएंगे तो मजा। आप ताली अगर इस तरह बजाते हैं तो एक बार ताली आप अपने जलवे के साथ मुझे बजा कर दीजिए, खुल के बजा दीजिए मुझे, खुल के बजाइए। मैं निमच में आपके बीच मौजूद हूँ और मुझे लगता है कि मैं दिल्ली से जो इतनी दूर की यात्रा करके पहुंची हूँ, तो आपकी जो तालियां की जो आवाज़ मेरे कानों में पहुंचेगी वो मेरी थकान कम करेगी। रजनी अगर निमच में इनके बीच है तो निमच वाले बजाएंगे, नया गांव की बात कर, नए गांव में नई कवित्री आपके बीच आपके समक्ष काव्य पाठ करने के लिए आई है, और आप नई तालियां बिल्कुल ना दे, वही पुराने अंदाज की तालियां मुझे देते रहे तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब मैं पढ़ती हूँ। देखो बहुत अच्छी बात मैं आपको कहता हूँ, भले ही कितना नया गांव कहो, 21वां कवि सम्मेलन ये है। हाँ। नहीं 21 कवित्रियां तो इन्होंने पुरानी कर दी। मैंने तो वही कहा, मैंने कहा पुरानी तालियां जो आप देते रहे वही तालियां चाहिए मुझे जी। स्वागत। पढ़ती हूँ मैं आप सभी के बीच मेरा आना हुआ है और कितनी दूर की यात्रा के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, और मैं क्या लेकर के आई हूँ, क्रम बदलती रहूंगी, ये देखती रहूंगी कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं। स्वागत स्वागत। सुने कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए। वाह। मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, हालांकि पवन जी ने बुलाया है और उन्होंने आदेश किया कि आज नए गाँव के सभी श्रोतागण आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ अपने गीत लेकर, मुक्तक लेकर के। उसके बाद श्रृंगार के बाद मैं कुछ एक ऐसे गीत भी रखूंगी जो आपके मन को आपके हृदय को कई समय तक याद आएंगे। अरे बहुत बेहतरीन स्वर है आपका, मैं तो एक निवेदन करता हूँ, प्रेम दिल में जगाने आई हूँ इस पंक्ति को जितेंद्र जी पांडे की तरफ देख के मत बोलो, नहीं तो इस वार्ड में आग लगेगी। अभी सुने पांडे जी के बगल वाले सुन सकते हैं इसको, कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए। ये माइक वाले भैया से सेटिंग के साथ छेड़खानी मत, माइक वाला बहुत ईमानदार आदमी, उसको सेटिंग आती नहीं, सबसे ज्यादा बेईमान यही होते हैं, इनको छेड़खानी की बड़ी आदत होती है। आप एक बार सेट कर दीजिए और उसके बाद बिल्कुल दूर हो जाइए आप जी, ये आवाज ऊपर नीचे करता है तो हमको दिक्कत होती है, आप उसे अपनी धर्मपत्नी ना समझें। सुने
ये पंक्तियां मैं अगली जो पंक्तियां दे रही हूँ, आप यदि अपनी प्रेमिका आपको देती तो किस भाव से आप सुनते, वो आप भाव लीजिएगा, उसको अनुभव कीजिएगा। मैं पंक्तियां रखती हूँ। जी जी जी। कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे। जी। कि गुल से मह, अभी राजकुमार जी ने कहा कि यहाँ पे कोई भी बुजुर्ग नहीं बैठा हुआ है, मैं तो यही देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग नहीं बैठा है, और आप जवानी की उस दौर में जाकर के अगर ये पंक्तियाँ सुनेंगे तो मुझे सुनाने में आनंद आएगा, और आप खोकर सुनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे, जी जी जी। जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, जीत जाओ भले हार दे दो मुझे। जी। मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे। वाह 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 वाह। चंद, माइक थोड़ा ठीक कर दीजिए, माइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। नहीं, माइक तो अच्छा है, मतलब आप जो कह रहे हो ना, इस तरफ देखकर भले आप किसी को भी कहो पांडे जी टाइपराइटर का वो खटका है का दबाओ, किसी को भी जा वहीं रहा है। जीत जाओ तुम यार, जो आदमी महिला वार्ड से पार्षद है वो तो जीतेगा ही सही। अभी इन्होंने शुरुआत में कहा था कि बुजुर्ग बुजुर्ग की बात कही थी, मैं बताऊं कि जवानी की मोहब्बत तो बहुत फीकी होती है, असली मोहब्बत क्या होती है बताती हूँ मैं। जी जी, आप तो जानते हैं, बताइए। दिखता साफ कुछ नहीं, बस दृश्य धुआं करती है। ये हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत खोकर सुन रहे हैं इन पंक्तियों को। कि दिखता साफ कुछ नहीं, बस दृश्य धुआं करती है, ये मोतिया बिंद की आंखें जब हुस्न छुआ करती हैं। दिखता साफ कुछ नहीं, बस दृश्य धुआं करती हैं, ये मोतिया बिंद की आंखें जब हुस्न छुआ करती हैं। है जवानी की मोहब्बत, जवानी की मोहब्बत कुछ भी नहीं है यारो, बुढ़ापे की मोहब्बत ही असली मोहब्बत हुआ करती है। अरे भाई बहुत, बुढ़ापे की मोहब्बत ही असली मोहब्बत हुआ करती है। जी राजकुमार जी, कुछ जी, बोलना चाह रहे थे? ना, मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा था। एक्चुअली क्या, आपका ज्ञान इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं है। मोतियाबिंद के यहाँ रोगी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पास ही गोमा बाई है। इनके तो वास्तव में क्या दर्द है इसको मुकेश जी जानते हैं, और नगर परिषद की सभापति है। एक बार दो तीन साल पहले हम यहाँ आ गए थे, कवियत्री भी आने वाली थी, उसकी ट्रेन छूट गई। इन्होंने कह दिया कि जब कवियत्री नहीं आई तो तुम क्या, तुम्हारे बाप को रोड़ी आया क्या? बिना कवियत्री मेरी जनता के दिल का इलाज होता नहीं, इसलिए उस इलाज के लिए बुलाया जाता है। मोतियाबिंद की टेंशन लो ही मत। अच्छा जी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं धीरे धीरे आप सभी से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ, देखती हूँ कि आप किस तरह का सुनना पसंद करेंगे। मैं चार पंक्तियाँ और रखती हूँ, सुने। न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ। वाह। न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। न राधा हूँ न राधा हूँ न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है, मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है, कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ। कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ। रजनी जी, रजनी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आध्यात्मिक म्यूजिक आपने पढ़ा, बहुत शानदार ये मुक्तक था, पर इसमें एक थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया। क्या? ये लोग बहुत सीधे लोग हैं, पहली लाइन को भूल कर इनका ध्यान जब दूसरी लाइन पे आ गया, मोहन तेरा इंतजार करती हूँ, तो 7-8 मोहन लाल उकड़ू बैठ गए। ये जब तक मैं काव्य पाठ करती रहूंगी बीच बीच में बोलते रहेंगे, तो अगर ये बीच में ना बोले तो इनके लिए मैं चार पंक्तियां लेकर के आई हूँ, अगर आप आदेश करें तो मैं वो चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ दूं। इस तरह से तालियां बजाकर आप मुझे आदेशित कीजिए कि मैं इनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ूं। ये बीच बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोलना बंद कर दें इसके लिए। कर दूंगा, पढ़ो। कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो,
कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो। तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते हो। पर हरकत से अनूप देखो 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 देखो, मतलब आपकी वैसे एक बार बताऊं, नजर तो बहुत अच्छी है जी। पहचान लेते हैं आप हाँ। पर मैडम वाकई ये जो कोरोना आया ना, तीसरा टीका लगने से पहले मिलते, अब तो आप मुझे ताऊ जी को, दादाजी को या बहू जी कुछ भी को, मारी बाणा थू जीतीर मुंह आ रही हो। चार पंक्ति में ही लाइन पे आ गई है, हालांकि मैं चार पंक्ति और देना चाह रही थी, वो इन्होंने खुद ही कह दिया कि तुम कुछ भी बोलो मुझे स्वीकार है। मैं चार पंक्तियां दे करके अपना काव्य पाठ करती हूँ, सुने। स्वागत स्वागत, स्वागत। कि मेरे सर का दर्द बनो ना आधा तुम, बीच में बोल करके मेरे काव्य मेरे कविता पाठ के बीच में आप ना बोलें जी। कि मेरे सर का दर्द बनो ना आधा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम। जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, मेरे उनके लगते सबके दादा तुम। देखो देखो देखो, फिर वही बात कह दी आपने, फिर वही बात कह दी। वाकई देखो उम्र का फर्क तो पड़ता है, उम्र से और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लक्षण आ जाते हैं ना मेरे में, आ गए, इसमें नहीं आए अभी। लक्षण मेरे में ये आ गए जो मैं रजनी जी आपको बताना चाहता हूँ। तू बार बार प्यार के मामले में उम्र को मत ला, मैं समझाता हूँ। आप दिल्ली के हो, बड़े शहर के हो, मैं गांव का आदमी हूँ, छोटा आदमी हो सकता हूँ, पर उम्र बड़ी है इसलिए अकल भी बड़ी है। मैं तेरे को ज्यादा खतरनाक समझाता हूँ, समझाता हूँ। उम्र की बात कर रही हो, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी जानते हो मोबाइल कतरो ही पुराना हो जाओ, भले ही खटका टूट जाओ, चाहे स्क्रीन अंधी हो जाओ, चाहे लच्छे छे बांधना पड़े, सिम में बैलेंस से बेटा घंटी बजेगी। ये हार्डवेयर का मामला ही नहीं, टोटली सॉफ्टवेयर का मामला है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं ये, समझ रहे हैं ना। ये मुस्कुराहट को थोड़ा सा मैं विराम देती हूँ। इनकी प्यारी सी खूबसूरत ये जो चेहरा है, इस चेहरे को देखते हुए अभी मेरी चार पंक्तियां होती हैं, मैं वो इनके सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत। जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो, जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो। तुम बातों से बहुत भोले शहद अंगूर लगते हो, जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो। तुम बातों से बहुत भोले शहद अंगूर लगते हो। भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे, भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे। जरा जा कर के देखो आईना लंगूर लगते हो। बात अच्छे, बात अच्छे, बात अच्छे। देखो मैडम, तुम भले ही एमए की किताब हो, मैं तो लंगूर हूँ। लंगूर पढ़ तो नहीं सकता, फाड़ तो सकता है ना। बहुत आनंद ले रहे हैं आप सभी, पढ़िए। इस पर चार पंक्ति अगर आप देना चाहूं तो अंत्याक्षरी ज्यादा हो जाएगी, आप तो पढ़िए। अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। ज्यादा सोचोगे तो सवाल हो जाओगे, अच्छा? कि ज्यादा सोचोगे तो सवाल हो जाओगे, मोहब्बत में किस्सों के बवाल हो जाओगे। और यू बार बार कुछ कहकर इशारा ना करो, यू बार बार कुछ कहकर इशारा ना करो। अरे इतना कुछ कह दोगे तो केजरीवाल हो जाओगे, अरे इतना कुछ बोलोगे तो केजरीवाल हो जाओगे। तो केजरीवाल जी की तरह देखो देखो, बार बार मुझे छेड़ो मत, उम्र का बार बार वो हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मैं देखो हकीकत बता रहा हूँ, अब मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, वो मैं भी देख रही हूँ। हाँ पर सुनो, एक समय अगर मैं अपने पे आ जाऊं, देखो तू मुझे कोयला समझ रही हो, पर ये ऊपर की जो राख है ना, एक बार फूंक मार के देखो, अंगारा बड़बड़ाहट करता ही निकलता है।
ये तो अंगारे की राख है, बाकी वरना वीराने में चलूं तो गुलशन बना दूं, मुरझाए आलम को सावन बना दूं, मैं मेरे पिता का वो इज्जतदार लड़का हूं, अभागन को छूलूं तो सुहागन बना दूं। बहुत देर से कुछ कुछ बोले जा रहे हैं ये, बस अंतिम चार पंक्तियां रखती हूँ मैं, बताता हूँ ये मंच पर इतना बोलने का जो इनको हिम्मत मिल जाती है ना, वो पूरी भड़ास निकालते हैं जब घर पे बोलने की परमिशन नहीं दी जाती है। जी, जी। मैं बताती हूँ ये घर पर रहकर क्या करते हैं, कि घर से बाहर जब होते हैं हर लड़की पर मरते हैं, कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, अरे सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो। झाड़ू पोछा ही क्या, वहाँ के सारे काम मैं ही करता हूँ, मेरे घर के सारे काम मैडम मैं ही करता हूँ। और हमारे यहाँ एक कहावत है राजस्थान मेवाड़ मालवे में, कि जो समझे जो हारे, मुँह समझू मुँह हार गयो। काव्य पाठ कीजिए आप, मैं हार गया। बहुत अच्छे, चलिए मैं एक सीधे सीधे गीत पर आती हूँ, उसके बाद एक विशेष गीत मैं पढ़ते हुए अपना स्थान लूंगी। ये गीत कुछ इस तरह से है, प्रेम की दिनांक नजदीक आने वाली है, ऐसे में जो होने वाली पत्नी है वो दूर है अपने पति से, लेकिन वो किस तरह का मनुहार करती है कि जो दिन है ये कांटे नहीं कट रहे हैं, इसमें आप किस तरह से मुझे जल्दी से जल्दी आकर के ले जाओ, मुझे आपकी याद आती है। जी जी जी। गीत की भूमिका में बस यही मैं रख रही हूँ, और मैं पढ़ती हूँ किस तरह का गीत है, सुने। स्वागत स्वागत। कि मुझको ले चल अपने द्वार, कि दिल ये होले होले बोले, मुझे ले चल अपने द्वार, कि दिल ये होले होले बोले, दिल ये होले होले बोले, सैया खाए रे हिचको ले, मुझको ले चल अपने द्वार, कि दिल ये होले होले बोले, मुझे ले चल अपने द्वार, कि दिल ये होले होले बोले। और सावन के महीने में क्या होता है, जब वो कहती है अपने प्रेमी से जी, कि सावन की ठंडी हवाओं में जब चूनर लहराए, जब चूनर लहराए, सावन की ठंडी हवाओं में जब चूनर लहराए, जब चूनर लहराए, मुझको तेरी याद पियाजी, याद बहुत ही आए, याद बहुत ही आए, मिलन की बेला कर तैयार, कि दिल ये होले होले बोले, मुझे ले चल अपने द्वार, कि दिल ये होले होले बोले, मुझे भाए साजन द्वार, कि दिल ये होले होले बोले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कंचन सी मैं चमक उठूं जब हो दीदार तुम्हारा, हो दीदार तुम्हारा, कंचन सी मैं चमक उठूं जब हो दीदार तुम्हारा, हो दीदार तुम्हारा, तेरे प्रेम में रमने लगा है रोम रोम ये सारा, रोम रोम ये सारा, मुझको दे बाहों का हार, कि दिल ये होले होले बोले, एक बार तालियां बजा दीजिएगा जोरदार, कि दिल ये होले होले बोले, मुझे भाए साजन द्वार, कि दिल ये होले होले बोले। बढ़िया हो गया, शानदार हो गया। अच्छा, मैं केवल जाते जाते यहाँ देख रही हूँ कि जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा मात्रा में मुझे यहाँ महिलाएं दिख रही हैं। ऐसे पावन मंच में जहाँ रामदेव जी का मंच लगा हो, मुझे लगता है कि कुछ एक विशेष गीत यहाँ पर होना चाहिए। वो गीत क्या होता है मैं पढ़ती हूँ जी, कि बेटियाँ कहीं ना कहीं जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं, पर समय और स्थिति क्या है बताती हूँ मैं। एक समय ये आया है कि जहाँ लालू यादव जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी बेटी ने अपनी किडनी दान करते हुए अपनी किडनी दान करते हुए अपने पिता के एक नया जीवन दिया, तब मेरा ये गीत यहाँ से होता है कि एक समय वो है जो हम कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है जी, और जी, एक समय ये है कि अपने पिता को जीवन दान देने वाली बेटी आज आप सभी जानते हैं कि वो कौन है, तब मेरा ये गीत होता है और मैं वो गीत रखती हूँ, सुने। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है, अच्छा विषय। कल तलक जो कोख में ही मर रहे
आवाज बढ़ा दीजिए कि कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है माँ के आंसू और पिता के अनकहे भावों को समझे माँ के आंसू और पिता के अनकहे भावों को समझे लाख उससे तुम छिपा लो फिर भी सब घावों को समझे लाख उससे तुम छिपा लो फिर भी सब घावों को समझे है पराए घर ही दोनों फिर भी जाने क्या समझ कर है पराए घर ही दोनों फिर भी जाने क्या समझ कर दो कुलों की जिम्मेदारी कांधे पर वो ला रही है दो कुलों की जिम्मेदारी कांधों पर वो ला रही है कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है सारी पीड़ाओं को विपदाओं को अब वो हर रही है बेटिया क्या है जी कि सारी पीड़ाओं को विपदाओं को अब वो हर रही है रिक्त जो खुशियों की गागर लो वही अब भर रही अच्छा है, गीत है भाई वाह जिसके आ जाने से कड़वे बोल बोले जा रहे थे जिसके आ जाने से कड़वे बोल बोले जा रहे थे लो वही बेटी अधर का गीत बन कर आ रही है लो वही बेटी अधर का गीत बन कर आ रही है कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है बहुत अच्छा मैं गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां बेटियों के सम्मान में बजाइएगा बहुत बेहतरीन रजनी जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ